उस दिन अचानक हमको कुछ अजीब सा लगा। हमको लगा कि हमको बाथरूम जाना होगा। हम उठकर टीचर के पास गए तो पीछे कपड़े पे खून का दाग लगा था। सब लोगों ने देख लिया। हम उसके बाद जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। जो नगमा के साथ हुआ वो अक्सर कई सारी लड़कियों के साथ हो जाता है। हर लड़की को 12 से 14 साल की उम्र में मासिक होता है और 40 से 50 की उम्र में ये बंद हो जाता है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ कि सफर को 2 साल हो चले हैं। इस सफर का एक चुनौतियों से भरा हुआ पर दिल को तसल्ली देने वाला पड़ाव रहा है युवाओं के मुद्दों, उनकी परेशानियों पर बातचीत कर उन्हें सुलझाना। खुशी होती है यह देखकर कि ट्रेनिंग पाए हुए साथिया अपने जैसे दूसरे युवाओं तक पहुंचते हैं, उनकी परेशानियों का हल ढूंढने में उनकी मदद करते हैं, उनके साथी बनते हैं। हम लोग आज मुद्दा है मासिक धर्म के बारे में और धातु के बारे में। ऐसे कि हम लोग मासिक धर्म में अधिकतर हम लोग कपड़े का यूज करते हैं ना, अगर जानकारी नहीं होता तो हम लोग कपड़े का यूज करते हैं। अगर हम सलाह मिले तो हम लोग अधिकतर पैड यूज करना चाहिए। हमारे परिवार में बड़े बुजुर्गों का धारणा होता है कि जब पीरियड छोटी है तो ये मत छुओ, पूजा का सामान है वो मत छुओ, कोई पेड़ पौधा उसको मत छूना है, घर के किचन का कोई मसाला वसाले उसको मत छूना है, वो पुरानी धारणाएं मानी गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मासिक होता है हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इससे ये हमारी प्रजनन की क्षमता होती है। ये प्रकृति की देन है जो सभी लड़कियों में नेचुरल है। सोचकर बड़ी हैरानी होती है कि जिस समाज में लड़कियों के मासिक आने पर उनकी शादी करवा दी जाती है, उस समाज की लड़कियां आज प्रजनन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर खुलकर चर्चा कर रही हैं। अच्छा ये बताइए, ये किशोरी क्लब है क्या? किशोरी क्लब ये है जैसे हम लोग लड़कियों जो होते हैं, जो परेशानी होती है हम लोग में, वो हम लोग अपना जाहिर करते हैं अपने दीदी लोग से, हमारे जो ग्रुप के मेंबर हैं उनसे, हम अपने सारी फीलिंग अपना बताते हैं। अच्छा ये आइडिया किसका था किशोरी क्लब बनाने का? पहले तो ये लोग एक प्लेटफॉर्म पे बैठ नहीं पाते थे, मतलब एक जगह इन लोगों से बात भी करना तो अकेले बात, मगर ये एक ऐसा हम लोग को माध्यम मिला ये सब कि जिसमें लड़कियां हम लोग के साथ खुलकर सामने आई और एक ये लोग खुद डिसाइड किए कि हम लोग का एक क्लब बनना चाहिए। जो समस्या है अपने मम्मी पापा से ये लोग सॉल्व नहीं कर पाती, वो उन समस्याओं को लेकर अपने क्लब में बैठती हैं, अपने क्लब में अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने आस पास की जो भी समस्याएं होती उस पर भी ये लोग चर्चा करती है। एक साथिया की जिम्मेदारी किशोर किशोरियों में आ रहे शारीरिक बदलाव, शारीरिक स्वास्थ्य और खुशहाली, मानसिक स्वास्थ्य, गुप्त अंग और गुप्त रोगों की जानकारी, हिंसा के खिलाफ आवाज, अपने अधिकारों का परिचय और इस तरह की जरूरी बातों को लेकर इन्हें तैयार किया जा रहा है। जैसे पीरियड वगैरह के बारे में उतना कोई पेरेंट्स से जल्दी शेयर नहीं कर पाता, पर ये जो ग्रुप बना उसमें हम लोग लड़कियां भी बहुत सारी फ्रेंड बन चुकी हैं। पीरियड्स के अलावा यानी कि महावारी के अलावा और कौन से टॉपिक्स के बारे में बात की है? बाल विवाह हुआ, परिवार नियोजन पे हुआ, जैसे वो 3 साल के बच्चे 21 साल की उम्र लड़का की 21 साल और लड़की का 18 साल में शादी करने और 21 साल में बच्चे को पैदा करने और 3 साल का अंतर पे नियोजन बताएंगे हम लोग को। फिर वो HIV सब को भी बताती है, गुआ कैसे फैलती है। HIV पहली बार भी असुरक्षित संबंध बनाने से हो सकता है, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाला HIV से ग्रसित है या नहीं, इसीलिए हर बार असुरक्षित संबंध बनाने से बचना चाहिए। अच्छा आप लोगों के पिताजी क्या कहते हैं जब आप ये सब चीजें कर रही होती हैं? उन्हें पता है आप किशोरी क्लब की मेंबर हैं, यहाँ पर क्या सीखती हैं, क्या करती हैं, उन्हें सब पता है? हाँ, क्या कहते हैं वो लोग? हाँ, बोलते नहीं चलो मेरा बेटा कुछ कर रहे हैं। कभी कभी किसी के पिताजी ने उनको मना किया है किशोरी क्लब में जाने से? नहीं, नहीं। तो बहुत अच्छी कर रही है। और रही आप लोग की संस्था की बात, हम तो चाहेंगे कि आपकी संस्था पूरे बिहार या पूरे इंडिया में एक्सेस हो, ताकि हम लोग का जितनी भी छोटी बच्ची है आपकी 18 साल 19 साल का 15 साल जो भी हो तभी को आप लेकर संरक्षण मिले और बहुत अच्छी अच्छी तरह से कुछ कुछ उसको वैरायटी सीखने को मिले। 18 साल से पहले शादी तो नहीं कराएंगे ना? दीदी हम तो राय यही देंगे कि अगर बच्ची है, अगर वो 9th 10th 11th जो भी पढ़ना चाहती है उसकी इच्छा के अनुसार उसको एजुकेशन देना ही चाहिए।
अगर हम दो रोटी खाते हैं, दो रोटी नहीं खा के हम एक ही रोटी खाएं, उसमें से 8 नाम बचा करके बेटी के नाम से रखें और बेटी को एजुकेशन दें, तो मेरा सबसे बड़ा परम चीज है। क्या क्या तुम जैसे इतने आराम से तुम लोग अब हर किसी विषय के बारे में बात कर लेते हो, तो कहाँ से तुमको इतना हौसला मिला, कहाँ से ये सब सीखा? मैं कुछ भी कर सकती हूँ प्रोग्राम से, इससे बहुत इंस्पायर हुई मैं। लड़कियों से कैसे खुल के बात करना है, कैसे खुल के बात करना है, अब तो हर इसको देखते हैं तो और हर सोच और हर विचार से मिलता है, और बोलने का तरीका, सोचने का ढंग सब इस सीरियल से दिखा रहे हैं। इसीलिए इस किशोरावस्था में किशोर किशोरियों को जरूरत होती है एक साथिया की, एक ऐसा साथिया जिसके साथ वो खुलकर निडर होकर बिना किसी डर के, बिना किसी घबराहट के, बिना शर्म के अपने मन की सारी दुविधाओं को, अपनी समस्याओं को सामने रख सके। अच्छा, तो आपके घर वाले क्या कहते हैं जो आप ये सब ग्रुप में जाती हैं, मीटिंग करती हैं? वो घर वाले सपोर्ट करते हैं मेरा, कहते हैं कि चलो अच्छा बात है, और मेरी मम्मी भी आशा कार्यकर्ता है, उसको भी ये बात पता है, वो भी प्रोग्राम देखती है, वो भी उसको भी प्रोत्साहन मिला बहुत ज़्यादा, और हमको भी। और ये है नीलिमा, इसे गांव में लोग आशा दीदी या बहन जी कहते हैं। ये लोगों के घर तक पहुंचती है, उनकी परेशानियां, उनकी समस्याओं तक पहुंचती है। और रीता देवी है असल जिंदगी की आशा, जो अपने बस्ती के लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं समझती है और उन्हें दूर करने में उनकी मदद करती है। नमस्ते। कैसी हैं आप? ठीक समझ। क्या हो रहा है यहाँ पर बताइए जरा मुझे। ये 1.5 महीना तो बच्चा है। अच्छा, तो इनसे हम मतलब आते हैं जाते मिलते रहते हैं हर बार, तो हम लोग का ग्रीफ बन रहा है। तो आप इतने सालों से ये काम कर रही हैं, आपको क्या फर्क लगा मैं कुछ भी कर सकती हूँ के पहले और उसके बाद? पहले उतना जागरूकता नहीं था मैडम, कि मैं पहले फील्ड में निकलते थे तो कोई हमको पहचानती नहीं थी, कोई हमको जैसे घर में घुसते थे सीधे बोल देते नहीं नहीं हमको कोई कुछ से काम नहीं है। अब मैं भी कुछ कर सकती हूँ, सीरियल देखे और मीटिंग में गए तो हमको और कुछ जानकारियाँ हुई। अगर हमको फील्ड में कष्ट हुआ तो मेरे दोस्त हैं, साथी हैं, मैं उसके बुला के उसे सहारा से अब मैं फील्ड में पूरा वेरीफाई हो गई हूँ, मेरा कोई तरह से अब दिक्कत नहीं होता है। तो जब आप फील्ड में जाती हैं लोगों को समझाने के लिए, तो क्या कभी कोई आपसे ये सवाल नहीं पूछता कि आपने जल्दी शादी की, आपके 4 बच्चे हैं, तो आप उन्हें क्यों समझा रही हैं? नहीं मैडम, फील्ड में बोलता है। तब क्या जवाब देती? तब यही देते, मैं पहले जागरूकता नहीं थे, मेरे पास पहले ज्ञान नहीं था, मैं आज सीख के आई हूँ तो आपको बता रही हूँ, मेरे तरह आप भी सीख जाए। मैं धोखा खाई हुई हूँ, साल में बच्चा मैं दे चुकी हूँ, मेरा पास बहुत कष्ट हुआ बच्चा पालने में। आपकी 2 बेटियाँ और 2 बेटे? बेटे हैं। क्या चाहती हैं आप अपने बच्चों के लिए? मैडम मैं तो बेटी के लिए लगी हूँ, बेटा के लिए कि जितना पढ़ सके मेरा बच्चा सब, जितना तक ले बनेगा उतना तक ले हम पढ़ा सकते हैं बच्चे लोग का। हम चाहेंगे कि हमारी परम प्रिय परम स्नेही आशा बहन नीलिमा जी अपने कर कमलों से इस आरोग्य निधि का उद्घाटन करें। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो और इतना बड़ा सम्मान। अरे नीलिमा जी, आप आरोग्य दूत हैं, ईश्वर ने बड़ी कृपा की है आपको हमारे गांव में भेज करके। आपने जिस तरीके से हमारे गांव में घर घर में जाकर जो सेवा कार्य किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। अच्छा शिल्पी, देखो तुम अब यहाँ तक पढ़ रही हो, इतना आगे तक पढ़ी हो, तो इस पढ़ाई को पूरा करने में तुम्हें कोई दिक्कतें आई? मेरे एज की जितनी भी लड़कियाँ थी उनका शादी हो चुका है, शादी का बात मेरे लिए भी हो रहा था, पर अपने मम्मी पापा को समझाया, बोले कि हमको अभी आगे पढ़ाई करनी है, हमको अभी शादी नहीं करनी है, कुछ बनना है, कुछ सपना है जिसको पूरा करना उसके बाद। आप दोनों जैसे एक दूसरे की दोस्त बनकर रहती हैं, बिल्कुल ऐसे ही रहिए और सबको जागरूक कीजिए, ताकि आपको देखकर दूसरी माँ बेटियां भी जागरूक होंगी, आपस में बात करेंगी, अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगी, उनका हल ढूंढेंगी। बदलाव की पहली सीढ़ी घर से ही शुरू होती है, और इस सीढ़ी पर अपना पहला कदम रख चुके हैं रीता देवी और शिल्पी, और उनके साथ निकल पड़ा है उनका समाज एक नई ऊंचाई से एक नए नजारे को देखने। मैं कुछ भी कर सकती हूँ।